जय जगन्नाथ। दर्शक बंधु आउ एक भयर एपिसोड को आपण मानक स्वागत। तेबे आज कहानीटी आम सह शेयर देवगढ़ सिपाली। तेणु सिपाली को सर्वप्रथमे धन्यवाद दे चलतु संपूर्ण कहानीटी को शुणा तांकरी दृष्टिकोण रु। किंतु ता पूर्वरु जदि आपण आम चैनल नुआ अछंती एवं ए जाए आपण आम चैनल को सब्सक्राइब करना तबे एबे ही आम चैनल को सब्सक्राइब करनी जहाँफल आगत भविष्य आम चैनल माध्यम प्रसारित तो प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथम पाइपर आपण भी जदि एपरी किसी इंटरेस्टिंग स्टोरी थाए तबे आपण आम सह शेयर करें। आम इंस्टाग्राम आईडी लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स रे अछि। तबे चलंतु कहानीटी को आरंभ करिबा। सिपाली कहिथांती ए घटनाटी 2005 मसिया रे मो दादांक सह घटीतिला। तांको नाम माधव। से समय मो दादा बिकम पाठ पढ़ुथिले। तांको सह तांकर जने सांग मध्य से समान कॉलेज रे बिकम करुथांती। तांकर ना श्रीधर। से कॉलेज रा पाखरे गोटे छोटो ढाबा थाए जेउठी समान दुई जन समानकर सकाळ संजर गरमागरम चार मजा उठैथांती। एपरि कि समानकर लंच ओ डिनर मध्य सेही जागा रे होइथाए। आ राति समय रे समाने सेही जागा रे बसी दिन जाकर गपसप मध्य करैथांती। इमिति गोटे दिन मो दादा ओ तांको सांग श्रीधर अंकल सबु दिन भले सेही दिन मध्य सेही ढाबा रे बसी रातिर डिनर करंती। आउ डिनर करि सारि निजर बाइक धरी से आखपाखर अंचल को टिके बुलाई चली जाती। एवं से मानक बुलाबूली करिवार राति प्रा 10:30 बाजि सारी थाए। आउ चारिपाख पूरा सुनसान हो सारी थाए। दूर दूर पर्यंत कहीं कुआडे भी आउ नजर आसन थांती। किंतु से माने बिना किसी भय करी निज मजा मस्ती आगो बढ़िया लगी थांती। बुले बुले एवं से मानक बहुत समय बीती सारी थाए। आउ जेतेबेले श्रीधर अंकल निज हाथ घंटा नजर पकांती तो समय होता है राति प्राय 11:45 रो। हाथ घड़ी रे समय देखिया परे श्रीधर अंकल मो दादा को कहंती अरे माधव राति बहुत अनेक हो गलानी चाले बे रूम को जीवा। तो ही कथा रे मो दादा बाइक रो मोड़ बदलांती। आउ सेठारो से माने फेरिबा को लागंती। से माने सेठो किछि दूर पछ को फेरी थांती कि नहीं मो दादा अचानक कहे कि तांको बाइक रो ब्रेक लगांती। आउ तांको सांग श्रीधर को कहंती अरे श्री देख तो सामना रे केही जेमिति सेठी धड़ा पसा बिनि छिड़ा होनी। तो श्रीधर अंकल कहंती हाँ मते भी ठीक से लगुची मु जाई कि देखिबे कि ये बोली। तो दादा तांको सांग को एकदम मना कर दियंती कि तू जमार भी बाइक रु तल को लाइबुनि से जे के भी हेई थाउ। किंतु दादांकर बारण सते मध्य तांको सांग तांको कथा सुनंदे नाही। आ बाइक रु ओल्हाई से स्त्री लोक पाखो चली जांती। यहाँ जाणिया पाई कि प्रकृत रे किए से स्त्री लोक आउ एठारे से एत रात रे काहे कि छिड़ा होईछि। श्रीधर अंकल से स्त्री लोक पाखो जाय ताउ किछि पचारु थांती कि से स्त्री लोक एकदम तांको गला को धरी पकाए आ जोर जोर हसिया को लगे। सेतळु को ता रूप एकदम चेंज हो सारी थाए। से पूर्व ठारु बहुत ही भयानक नजर आसु थाए। तारो से भयानक रूप देखि मान मो दादांकर जेमिति होश ही उड़ी जाए। तांकर साहस हुए नाही तांको सांग पाखो जाए तांको बंचाया पाई। तेणु से सीधा तांको कॉलेज आड़ को दौड़ती। आउ सेठारे से समस्त सब कथा गोटी गोटी करी कहंती। दादांक ठारु सब कथा सुनि सारे परे से कॉलेज रो किछि स्टाफ दादांक सह मिसि से जागा पर को जांती। जेतेबेले से माने समस्ते से जागा पर जाई पहुंचंती तो सेतेबेले को सब किछि समाप्त होई सारे थाए। तांको सांग श्रीधर आउ सेठी जीवंत न थाए बरम तांको लाश को भयानक भावरे तळे पड़ी थाए। से ही दिन राति मो दादा और सांग एक कालरात्रि जो थे गोटे निरीह जीवन भी चलीगला।
ହୁଏତ ସେଦିନ ମୋ ଦାଦାଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭଲ ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସେହି ଦୁର୍ଘଟଣାରୁ ଆଜି ବଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ସେ ଘଟଣାକୁ ବହୁତ ବର୍ଷ ବିତି ସାରିଲାଣି, ଆଉ ଏବେ ମୋ ଦାଦା ଏକ ଭଲ କମ୍ପାନୀରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ବି ସେ ସେହି ଘଟଣାକୁ ତାଙ୍କ ମନରୁ ଭୁଲେଇ ପାରିନାହାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଇଏ ତ ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ, ଯାହାକୁ ଆମ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ ଶିପାଲି ଭଉଣୀ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି କାହାଣୀଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥାଏ, ତେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ, ଯାହାଫଳରେ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଆଜି ପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭୟର ଏପିସୋଡ଼ରେ, ଏମିତି ଆଉ ଏକ ଭୟଙ୍କର କାହାଣୀ ସହ। ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।